यस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, सॉइल एंड क्रॉप. देखिए, सॉइल और क्रॉप, मिट्टी और फसल, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? देखिए, बिल्कुल गहरा कनेक्शन है. बिना मिट्टी के क्रॉप नहीं है, नहीं है ना? तो देखिए, सॉइल हेल्प प्लांट टू ग्रो. सॉइल जो है वो जितनी भी प्लांट हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करती है. अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप आर ग्रोन एंड फुलफिल द नीड ऑफ फूड ऑफ ह्यूमंस. जितनी भी क्रॉप्स हैं वो ह्यूमन बींग के फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं. और सारी क्रॉप्स जो हैं वो मिट्टी में ही उगाई जाती हैं. तो हर तरह की क्रॉप को उगाने के लिए अलग अलग तरीके की मिट्टी को लिया जाता है, यूज़ करते हैं. देखिए, डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. अलग टाइप की सॉइल है तो उसमें अलग टाइप की ही जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाई जाएगी. देखिए कैसे. लेंटेन एंड ग्राम, जितनी भी दालें जो हैं वो सब ग्रो करती हैं लोमी सॉइल्स में, क्योंकि उसमें लोमी सॉइल जो होती है उसमें ड्रेन वाटर इजीली जो है उनका वाटर ड्रेन हो जाता है. लोमी सॉइल जो है उसमें ह्यूमस भी काफ़ी रिच होता है और उसमें होल्डिंग कैपेसिटी पानी की काफ़ी अच्छी होती है. इसलिए इसमें दालें हैं वो उगाई जाती हैं. वीट एंड पैडी ऑल्सो ग्रो इन क्ले सॉइल. वीट और पैडी जो होती हैं, जो गेहूं है, चारा है, पैडी, ये सब जो हैं ये सब क्ले सॉइल में इसको इसलिए आराम से उगाया जाता है क्योंकि इसमें वाटर रिटेंटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है. वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो किसकी अच्छी है? क्ले सॉइल की. इसलिए जो है आप याद रखें कि वीट कहाँ कौन सी सॉइल में उगता है? क्ले में. लेंटिल्स जो है वो कौन सी सॉइल में उगते हैं? लोमी सॉइल में. और कॉटन जो है वो कहाँ उगता है? कॉटन ग्रो वेल इन सैंडी एंड लोमी सॉइल. कॉटन जो प्लांट है वो किस में उगेगा? सैंडी सॉइल में या फिर लोमी सॉइल में. नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का मतलब होता है कैरिंग अवे ऑफ सॉइल, मिट्टी को दूर हटाना. देखिए, द कैरिंग अवे ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाई एजेंट लाइक विंड ऑफ वाटर. जब कोई हवा या पानी के जरिए जो है मिट्टी की पहली जो लेयर है, सबसे ऊपर टॉप लेयर जो है वो हट जाए, तो उस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं, है ना? तो सॉइल इरोजन जो है वो क्या है? किसी भी टॉप लेयर का किसी जरिए से हट जाना, किसी भी हवा से या पानी के जरिए हट जाना जो है वो सॉइल इरोजन कहलाता है. इट अकर्स फास्टर और बैरन लैंड जो व्हेन देयर इज अ लिटिल और नो वेजिटेशन. फॉर एग्जांपल इन डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में सॉइल इरोजन बहुत होता है क्योंकि वहाँ पे जो है हवाएं भी तेज चलती हैं और वहाँ पे नो वेजिटेशन, या तो बिल्कुल वेजिटेशन होती ही नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल फसल उगी हुई नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे इजीली जो है सॉइल इरोजन होता है. देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. पहला है डिफॉरेस्टेशन, कि पेड़ों की कटाई. अगर आप ज़्यादा से मात्रा में पेड़ों की कटाई करते रहेंगे तो जो है सॉइल इरोजन होगा, पक्की बात है. फ्लड, बाढ़ आ जाने से भी सॉइल इरोजन होता है. जब बाढ़ आ जाती है तो इट वॉश अवे द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल को वॉश कर जाती है, हटा देती है, तो सॉइल इरोजन हो जाता है. फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर जो होती है जब हम जंगलों को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं प्लांट्स को, जब जो होती है ना वीड्स को बर्न करने से, या काफ़ी प्लांट को जो है कवर एक्सपोज करने की वजह से जो हम जब फॉरेस्ट फायर करते हैं तब भी सॉइल इरोजन होता है. ओवरग्रेजिंग, जब आप किसी ओवरग्रेज कराएं एनिमल्स को, एनिमल्स को जब आप चराने ले जाते हैं तो छोड़ देते हैं जंगलों में, भाई चलिए वो क्या करते हैं, फिर वो किसी भी तरीके से ओवरग्रेज करते हैं. एक ही एक एरिया को अगर आपने जो है ट्री वहाँ से हटवा दिए हैं, किसी तरीके से ओवरग्रेज करा दिया है, तो वो लैंड ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाता है. कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो वहाँ की जो टॉप सॉइल है वो डैमेज हो जाती है, हट जाती है. तो इसको भी एक तरह का सॉइल इरोजन ही का रीज़न कहते हैं. ठीक है, तो चार आपके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बताए हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाने से, फॉरेस्ट फायर हो जाने से, या फिर ओवरग्रेजिंग करने से. ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये है इसके प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं कि सॉइल इरोजन नहीं हो. तो सॉइल इरोजन नहीं होने के दो तीन जो है आपको प्रिवेंटेड आइडियाज़ दिए हुए हैं. पहला है एफॉरेस्टेशन, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन का जस्ट अपोजिट, पेड़ों की कटाई है तो आप पेड़ों को उगाएं. ठीक है, पेड़ों के कटने से अगर जो है सॉइल इरोजन हो रहा है तो इसके उगाने से जो है सॉइल इरोजन में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा सॉइल इरोजन. तो एफॉरेस्टेशन पहला रीज़न है कि आप द बेस्ट वे टू रिड्यूस और प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का, रिड्यूस करने का पहला आइडिया जो है, बेस्ट आइडिया एफॉरेस्टेशन है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उगाए जाएँ. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. डैम बनाए जाएँ जो है ताकि बाढ़ ना आए, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाए जाएं. टेरेस फार्मिंग होनी चाहिए, कि टेरेस फार्मिंग जो है इस तरीके की फार्मिंग होनी चाहिए, लेवल टू लेवल. ठीक है, लेवल टू लेवल टेरेस फार्मिंग होने से क्या होता है कि एक
जो है सॉइल इरोजन नहीं होता है, जब हवा चले या कुछ भी तरीके की जो है ऊपर की जो टॉप लेयर जो है वो एकदम जल्दी से पूरी की पूरी डैमेज नहीं होती है टेरेस फार्मिंग से। तो ये एक इफेक्टिव वे है टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कम करने का एक इफेक्टिव वे है कि आप इस तरीके की फार्मिंग करें, टेरेस फार्मिंग करें, ठीक है। बाय बिल्डिंग बर्न्स अराउंड फील्ड एंड एम्बैंकमेंट अराउंड द रिवर बैंक, जो है आप जब जो है फील्ड के चारों तरफ बर्न्स बनाएं और रिवर बैंक के चारों तरफ एम्बैंकमेंट्स बनाएं, है ना, तो इस तरीके से भी सॉइल इरोजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो है आपके चार पॉइंट्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं सॉइल इरोजन के, और तीन चार आपके जो है वो आइडियाज़ दिए हुए हैं, बेस्ट आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है, इसके बाद इसकी वर्कशीट आपको यू विल बी गिवन, और आई होप आप इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करें, यू विल बी अंडरस्टैंड द चैप्टर आई होप। ओके ओके, गुड बाय।